वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज ज़ैन रहमान, कराची की सूरत हाल पर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की बरतरफी का मुतालबा दोहरा दिया। कहा शहर कचरे का ढेर बन गया, गली मोहल्लों की सूरत हाल बदतरीन है। कराची को फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात की जरूरत है। पीपल्स पार्टी MKM के साथ मिलकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। मुसलसल ये कार्रवाइयां कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में इलेक्शन ना हो। इनकी ये देना ही नहीं चाहते इख्तियार, यानी वैसे ही लूली लंगड़ी और अंधी बहरी किस्म की बल्दिया वजूद में आएगी अगर ये इख्तियारात इन्होंने मुंतकिल नहीं किए। MKM के साथ मिलकर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर रहे। एडमिनिस्ट्रेटर जो भी सियासी बुनियादों पर भर्ती किए हुए अभी भी मौजूद है ना, वो तो वो मौजूद है। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रर हुआ है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ही नहीं ले रहा, बरतरफ ही नहीं कर रहा। इनको इस्तीफे का मसला थोड़ी है, इनकी बर्तर भी होनी चाहिए। सीधी सीधी अंदर की सड़कों का तो बुरा हाल है, कचरे का ढेर ये शहर बना हुआ है। कहां है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कहां है उसके मुआहदे, कौन सी कंपनियां हैं, किन से किकबैक्स लिए इन्होंने। हमें गंदगी के ढेर में इस पूरे शहर को छोड़ा हुआ है। ये कोई शौक नहीं है, ये हमारी जरूरत है। इस शहर को मेयर चाहिए मुंतखब, इस शहर को टाउन के चेयरमैन चाहिए, इस शहर को UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलर चाहिए, ताकि कुछ तो दादरसी हो सके।